नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि आचार संहिता के कारण क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में दिक्कत प्रॉब्लम्स आएंगे, आचार संहिता कब से कब लगने वाले हैं, क्या आपकी यूपीटेट में दिक्कत आएंगे, क्या शिक्षक भर्ती इस साल नहीं आएगी, शिक्षक भर्ती इस साल तो नहीं दिख रही है, उसकी कसौटी नहीं दिख रही भाई, है ना, मतलब कि उसका झलक भी नहीं यहाँ पे दिख रहा है इस साल। बात तो की गई थी साल के अंत तक आ जाएगा, दिसंबर नवंबर में बातें उठ रही थी, लेकिन आपका यूपीटेट लेट हुआ। यूपीटेट का जो रिजल्ट है वो आपका 28 दिसंबर तक आएगा, 17 दिसंबर तक आपका कह लीजिए कि भैया उसका जो आप आंसर शीट है वो देख सकते हैं। इसके बाद 28 दिसंबर तक रिजल्ट आएगा। अगर नॉइज वाले बच्चे प्रदर्शन ना किए तो, सब कुछ सही रहा तो नहीं तो फिर लेट होगा। उस पर भी जो आपके प्रकरण है वो अगर जवाब देते हैं तब भी आएगा उसका रिजल्ट, क्योंकि समय से आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आपके आंसर शीट भी आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो इसमें और बीच में आचार संहिता लगेगी। तो आपका जो दोस्तों भर्ती है, भर्ती तो लेट आने वाली होता है, इस साल नहीं अब अगले साल की बात करिए। और अब ऐसा भी नहीं है कि तुरंत मुख्यमंत्री बने और तुरंत आपकी भर्ती ला के देंगे। मान लीजिए यही बीजेपी पार्टी रही तो भी लेट होना है, और कोई अलग पार्टी आई तो भी, कोई भी पार्टी रहे, हम से पार्टी जैसे पार्टी वोटी से नहीं देना होना चाहिए। सिर्फ हम शिक्षक हैं, सिर्फ हम विद्यार्थी हैं, तो हमको सिर्फ भर्ती से, हमें सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए, हमें एक सीट से मतलब है। ठीक है, आप भर्ती निकालो, आप वेट नहीं करना है मुझे। ठीक है, लेकिन याद रखना इस साल तो नहीं आने वाली है। अगर बाय द वे आ भी जाता है तो वो प्रशिक्षु नहीं बैठ पाएंगे जो यूपीटेट की तैयारी में, तो यूपीटेट के पेपर दे रहे हैं, क्योंकि 28 दिसंबर को उनका रिजल्ट आएगा। बताओ कैसे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते भाई। तो मतलब तय है कि आचार संहिता के बाद ही आपकी शिक्षक भर्ती आएगी, ये तो फिक्स है, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग मांग करिए, जो बच्चे चुके गए हैं आज उनके लिए बहुत 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 थैंक यू हमारी तरफ से। आप सभी लोग तब तक वहाँ से नहीं आए जब तक आप कुछ हल ना निकाल के आए वहाँ से, ठीक है ना। पीएनपी पे मांग करते रहें। धन्यवाद साथियों।